हेलो गाइस, दिस इज अनिल एंड वेलकम बैक टू गैजेट्स ऑन योर प्लेस चैनल पे। एंड आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ओलंपस का 18x40 का ये बायनोकुलर। अगर आप मार्केट में बायनोकुलर ढूंढ रहे हो बर्ड वॉचिंग के लिए, तो ये बायनोकुलर आपके लिए परफेक्ट होगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट सभी पे ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, अगर परचेज़ करना चाहते हो तो परचेस करो। लेकिन इससे पहले मेरा ये जो वीडियो को कम्प्लीटली देखना चाहिए आपको, अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है एंड कितना प्राइस में हम लोग को मिलता है। तो ओलंपस एक वेल नोन ब्रांड है बायनोकुलर पे, एंड ये जो बायनोकुलर है इसका रेंज 18x40x है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के लिए बायनोकुलर खरीदना चाहते हो तो ये बायनोकुलर आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसका अपर्चर रेंज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए एंड मिनिमम 16x का बायनोकुलर है। क्योंकि यहाँ पे जो दो पैरामीटर प्रोवाइड किया गया है, फर्स्ट पैरामीटर है जूमिंग कैपेबिलिटी एंड सेकेंड पैरामीटर है इसका जो अपर्चर है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 18x40 का है, तो यहाँ पे 40 mm का अपर्चर मिलता है एंड जूमिंग कैपेसिटी 8x का मिलता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हम लोग को कैसा मटेरियल मिलता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी कैसा है। एक्सेसरीज के नाम पे हम लोग को ये बैग मिलता है, बहुत ही अच्छा कुशन है यहाँ पे दिया गया है। हल्का सा अगर नीचे से गिर भी जाता है तो ये अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है आपका ये प्रोडक्ट को। एंड ऑलरेडी यहाँ पे एक नेक स्ट्रैप आप देख सकते हो, एंड ऊपर इसका ब्रांडिंग भी मिलेगा आपको। मटेरियल का क्वालिटी अभी तक बहुत ही अच्छा है। एंड ये है इसका जो मेन प्रोडक्ट, पहले से इसका जो नेक स्ट्रिप है मैं इसको लगा दिया हूँ। काफ़ी सॉलिड फील होता है अगर इसको आप हाथ में लेते हो तो। प्लास्टिक के ऊपर शायद एक रबराइज्ड मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, इसके लिए इसका जो ग्रिप है बहुत ही अच्छा बन जाता है। एंड ये जो नेक स्ट्रिप है इसका भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एंड चारों तरफ आप देख सकते हो कि चारों लेंस यहाँ पे एक कवर दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। अगर वेट की बात करो तो यहाँ पे 600 से 700 ग्राम का है, ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम साइज़ का प्रोडक्ट है ये। यहाँ पे मैं इसका जो आईपीस का कवर है इसको ओपन करके देखता हूँ कि यहाँ पे जो आईपीस है उसका क्वालिटी भी अच्छा है। एंड ये जो कैप दिया गया है वो रबर टाइप का मटेरियल है। ये इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड इसका भी जो प्रोटेक्शन के लिए एक कवर भी दिया गया है। यहाँ पे जैसे मेंशन है ये वाइड एंगल है, मतलब यहाँ पे जो भी आप विज़न है बहुत ही वाइड विज़न आपको मिलेगा। एंड ये यूवी प्रोटेक्टेड है, तो अगर आप इसको ब्राइट सनरेज में अगर यूज़ करते हो तो आपका आँख में कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। एंड थोड़ा वार्म एंड कूल व्यू भी देता है यूवी प्रोटेक्टेड के लिए। एंड आई पीस के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रबर टाइप का मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसीलिए अगर आप इसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ परेशानी ना हो। तो छोटा छोटा चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। एंड प्रोडक्ट का क्वालिटी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है। मार्केट में अगर आप 2000-3000 रुपये का कोई भी बायनोकुलर ले रहे हो तो उससे ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये है इसका जो अपर्चर का, ये 40 mm का है। जैसे कि मैं पहले मेंशन किया था, जितना बड़ा अपर्चर आप लोगे तो इमेज का क्वालिटी आपको इतना अच्छा मिलेगा, क्योंकि अपर्चर जितना भी बड़ा होगा तो उतना लाइट पास करने का जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग को 40x का मिलता है। एंड ये इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला लेंस को आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को एक ओलंपस का लोगो जहाँ पे देखने को मिलता है, बाहीं पे इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक ट्राइपॉड माउंट भी है ये। अगर आप इसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्राइपॉड पे माउंट करके यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ये ट्राइपॉड माउंट है। यहाँ पे ये जो बायनोकुलर है वो पोरो प्रिज्म टाइप का बायनोकुलर है, तो इसीलिए इसका जो इमेज का ब्राइटनेस है एंड शार्पनेस है तो बहुत ही अच्छा होता है। एंड डिस्ट्रक्शन आपका मिनिमल होता है, तो व्यूइंग क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है इस पे। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि बीच में आपको यहाँ पे फोकस नॉब मिलता है, बहुत ही स्मूथ है इसका जो भी ऑपरेशन है। तो ये मतलब आपको फोकस एडजस्ट करने के लिए मैकेनिकली आपको इसको घुमाना पड़े। एंड यहाँ पे और एक चीज़ भी हम लोग को मिलता है, एंगल एडजस्टमेंट भी मिलता है। 60 से 70 डिग्री तक एंगल यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मार्केशन भी है कितना एंगल पे आप एडजस्ट करोगे। तो
जो भी इस पे इसको यूज़ कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपका एंगल एंड ये जो फोकस नॉब है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ भी मिल जाता है, डायोप्टिक करेक्शन नॉब भी मिलता है, ये वाला है डायोप्टिक करेक्शन नॉब, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बार आप फोकस एडजस्ट कर लो, तो उसके बाद आपको डायप्टिक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी अगर ब्लाइंडनेस का कुछ इशू हो, अगर आपका एक आँख में थोड़ा पावर हो, तो यहाँ पे आप इसको इस पे करेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था ओलंपस बाइनोकुलर का कंप्लीट रिव्यू, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मार्केट में आप एक बर्ड वॉचिंग के लिए बाइनोकुलर खरीदना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।